छोटी छोटी बनाती हूँ मैं, कड़ी में जाके इतनी मोटी हो जाती हूँ। तो अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आपके? मैं तो सब खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक है, फिट फाट है। आइए आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा रेसिपी, आपसे मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ। बना चुकी हूँ मैं उसमें, मगर काफ़ी महीने हो गए, तो अब मैंने बोला थोड़ा आप जो हमारे नए सब्सक्राइब आए हैं, व्यूवर्स आए हैं हमारे, उनको भी दिखाऊँ अपनी कड़ी हाथ की। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ पकते हुए। तो व्यूवर्स देखिए, ये हमारा बेसन है, ये हमारे कड़ी के हैं इंग्रेडिएंट्स। ये है हमारा एक पाव बेसन, ग्रीन चिली, डेढ़ पाव दही, लहसुन अदरक फ्रेश कुटा हुआ, और ये कड़ी पत्ता। अच्छा जी, मैं अभी तो ये मैं इसको बाद में इसका मैश करूँगी, अभी तो मसाला भूनने के लिए चाहिए मुझे 3 टीस्पून। सिर्फ और सिर्फ ये वो है, क्या है? ग्रीन चिली, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। इसमें जाएगा नमक, इतना सारा कड़ी पत्ती, ये भी कम रहता है ना कड़ी में अक्सर नमक। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून भर के, डेढ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च, ये सबसे ज्यादा गई है। अब इसमें कुछ नहीं जाएगा, कुटी मिर्च नहीं डालती, अभी ये चले मैं आपको भगा के दिखाती हूँ। तो गाइस, हमने ये चूल्हा जला दिया है अपने पैन का। अच्छा, ये जो मैंने आपको बेसन और दही दिखाया था ना, मैं दिखाती हूँ बेसन और दही में, दही को डाल रही हूँ बेसन में और इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मसाला मैंने आपके सामने ऐड कर दिया, क्या क्या मैंने मसाला डाला है, और ये दही और बेसन का मिक्सचर बना के पानी ऐड करके इसमें मसाला भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी, ताकि हमारी कड़ी का मिक्सचर तैयार हो जाए, ठीक है। आज मैंने सोचा आज मैं कड़ी बना लूँ, बहुत हो गया गोश्त चिकन खा खा के। तो ये गाइस, ये देखें हमारा मसाला भुन गया, अब इसमें डालेंगे कड़ी का मिक्सचर। और बराबर से फिर ये डालने के बाद चम्मच हमें चलाते रहना है, ठीक है ना, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता हमें चम्मच चलाते रहना है। यही मेहनत होती है असल कड़ी चढ़ाने की, चलाते रहते हैं। हाँ, जब तक बॉईल नहीं आ जाता इसको चम्मच चलाते रहना है। इसमें भी पानी हिला के फिर डालती हूँ। कड़ी बनाने का भी अपना अपना तरीका होता है। सुबह मैंने उनकी वीडियो देखी थी तहा यम्मी फूड की, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीका था। अच्छी बनाई थी ना उन्होंने, शक्ल से तो मुझे अच्छी लग रही थी और टेस्ट का मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने प्याज पीस के बनाई थी, प्याज और ग्रीन चिली, उन्होंने रेड चिली बिल्कुल नहीं डाली थी, न हल्दी डाली थी, और हल्दी के बगैर तो कड़ी का कलर भी सही नहीं आता। तो ये है कि हमारा जब तक बॉयल आता है, तो फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि अगर मैं चम्मच ये हिलाती रहूँगी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो हमारी, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो व्यूअर्स, ये हमने एक बड़ी अनियन काट ली पकौड़ों के लिए, और 3-4 मैंने हरी मिर्च काट ली है, ठीक है। अब ये सारा बेसन जाएगा जो हमने बचाया हुआ है, ये कड़ी के पकौड़ों के लिए, ठीक है। पीछे करो सर, इसमें जो मसाले जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, इसमें मीठा सोडा जाएगा, मगर जब मैं पकोड़े बनाने लगूँगी जब मैं डालूँगी हाथों हाथ मीठा सोडा, 1 टीस्पून जाएगी पिसी हुई मिर्च, जीरा भी जाएगा और मीठा सोडा भी जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ कड़ी के पकोड़े में डलती है प्याज और हरी मिर्च। जब मैं पकोड़े बनाती हूँ तो कम से कम आधे बेसन के पकौड़े तो ये लोग खा जाते हैं, फिर जो बचते हैं कड़ी में डालती हूँ। मामा बनाती है इतनी कम, देखो आज इस बार भी इतनी कम बना रही है। अच्छा, ये देखो एक बात, कड़ी के पकौड़े नहीं खाएंगे ये, खासतौर पे कोमल वैसे खा लेंगे, कड़ी के पकौड़े नहीं खाएंगे। कड़ी के पकौड़े
चाय का भी हो जाता है इसमें, कोई नहीं ये अच्छा होता है। ये लहसुन की चटनी से खाओ, लहसुन की चटनी में रखी है आज तक हाँ। नहीं बड़ों के लिए ये है हमारा बेसन, हम फेंट रहे हैं। मैंने बोला लाओ ये भी आपको दिखा देती हूँ वीडियो थोड़ी सी, कभी वीडियो दिखाएं तो हम पूरी दिखाएं, नहीं तो नहीं दिखाएं, है ना। अब जब मैं पकौड़े बनाऊंगी जब भी दिखाऊंगी, तड़का मारूंगी जब भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तो मैंने कड़ी चढ़ाई है, अभी ये पकेगी तकरीबन 7-7:30 बजे तक। कड़ी चावल कितने घंटे में बनेगी? 2-3 घंटे में बनाती हूँ। 5 बजे समझो मैंने चढ़ाई है ना, 7:30 बजे 8 बजे तक तैयार हो जाएगी। चले जी हो गया हमारा बेसन, अभी हमें रख दूँगी फ्रिज में, 1 घंटा बेसन भी हमारा रखा रहेगा जी। तो व्यूअर्स ये हमने बेसन आपके सामने फेंटा था, अब मैंने बोला था मैं आपके सामने मीठा सोडा डालूँगी थोड़ा सा और ज़ीरा मैश करके डालूँगी, अभी दिखाती हूँ। और फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे। मैं तेल डाल लूँ फिर ज़रा पकौड़ा का ये मिक्सर हिलाऊंगी, क्योंकि मेरा हाथ फिर गंदे हो जाएंगे ना, इसलिए। देखिए हमने चावल पका लिए, दिखाओ पक गए चावल, पक चुके हमारे। और हमारी कड़ी की शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह जब से ये पक रही है ज़्यादा जल्दी, मतलब कि कितने घंटे हो गए, 2-2.5 घंटे हो गए। ये देखें अभी थोड़ी पतली है, जब तक मैं पकौड़े बनाऊँगी ज़रा सी और पक जाएगी, और चावल के साथ थोड़ी पतली थोड़ी अच्छी लगती है ना। पतली ये हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, मैं इसमें डालूँगी तेल। ये रहे हमारे पकौड़े कर लिया, ये देखो मैं कढ़ाई में डालूँगी। इधर ले आओ ट्राईपॉड नहीं है ना, देखिए हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया। और फटाफट बनाओ बस सबको भूख लग रही है। कड़ी जितना पक्के ना उतनी अच्छी बात है, क्योंकि कच्चापन आ जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। 3-4 घंटे जी, 6-8 घंटे बनाती हूँ मैं कड़ी में जाके, इतनी मोटी हो जाती हूँ। ऐसे मैंने डाला, कड़ी में भी खाऊंगी रूखी फुलकी, कड़ी में जाने के बाद नहीं खाती सिर्फ सादी। अब मैं तड़का लगाने के टाइम भी आपको दिखाऊंगी, डिश आउट करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो व्यूअर्स मैंने पकौड़ियाँ बना लिया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हो गई मेरी पकौड़ियाँ, अब मैं लगा रही हूँ तड़का। ये मेरे पास 3 गोल मिर्चें और 3 हरी मिर्चें, क्योंकि गोल मिर्चें थी थोड़ी कम। अब क्या मैंने परसों मैंने मसाले मंगाए तो मैं मंगाना भूल गई, 3 पड़ी हुई थी। मैंने बोला यही डाल दो सिर्फ मैं ही खाती हूँ इसमें, मगर कड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है ना, कड़ी में हो गए दाल में हो गए ज़्यादा अच्छी लगती है। और कड़ी पत्ता भी डालेगा, कड़ी पत्ता दो तुमने कहाँ रख दिया, अच्छा। जल्दी निकाल के दो। तो ये मैं कड़ी का चूल्हा करती हूँ ऑफ, क्योंकि ये गोल गोल मिर्चें घूमती हैं, डर लगता है एकदम उछल के आ जाती है। जल्दी तोड़ो कड़ी, कड़ी पत्ता इसमें डाल, मुझे दो तड़के में डालेगा। और ये देखो कड़ी पत्ता भी डाल दिया मैंने, ज़्यादा दो ना ज़्यादा से अच्छा लगता है, देख के दो। इसमें जीरा डाल के मैं डाल दूँगी बघार कड़ी में, तो फ्लेवर टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। इसको बिरयानी में भी डालते हैं कड़ी पत्ते को ना, अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरे को तो भाई अच्छा लगता है। ये लो इतना भी नहीं है। चले जी मैं अब डालती हूँ जीरा, अपना मोबाइल पकड़ो। धनिया नहीं डाले, और मैं डालूँगी जीरा, अच्छा खासा डालेगा जीरा भी, आपके टेस्ट के मुताबिक कड़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं ज़ीरा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तड़का मार के फ़ौरन बंद कर दें, ठीक है।
ठीक है ना। ये हो गई हमारी कढ़ी तैयार, चावल तैयार, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये देखिए हमारी कढ़ी हो गई तैयार, माशाल्लाह बहुत यम्मी है, बहुत मज़ेदार है। अब हम खाना खाने वाले हैं, अब तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे हाथ की कढ़ी, जिसको खानी है आ जाए। कमेंट में बताइएगा कढ़ी कैसी लगी आपको हमारे, मतलब कि हमने अपने जो हम रेसिपी डालते हैं अपने अपने तरीके से सब बनाते हैं, मगर हमारा तरीका ये है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो पूरी वॉच करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।